हेलो, नमस्ते बच्चों। आपको मल्टीप्लाई के सम्स हम करवा चुके हैं। फर्स्ट में आपने डिवाइड के सम्स भी किए हैं। आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होते हैं और डिवीजन फैक्ट्स क्या होते हैं। देखो, पहले आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। 3 5 जा 15, ठीक है? ये तो आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखा कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 15 आया। अब हमारे पास जो 15 आ गया है, उसको हम पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड किया तो उसका आंसर 5 आया। अब हम इसी नंबर को, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है? 3। यानी कि 5 और 3 दोनों, 3 भी आया और 5 भी आया आंसर, 5 और 3। तो 3 5 जा 15, तो 15 को डिवाइड करने पर उसका आंसर सेम आ रहा है। 7 8 जा 56। अब 56 को पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 56 को 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो दिया हुआ है, 56 को 7 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आया 8, यानी कि 7 8 जा 56। फिर 56 को 8 से डिवाइड किया तो 8 7 जा 56, तो सेम आंसर आता है, चाहे नंबर ये वाला लें या ये वाला लें। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स ही होते हैं और डिवीजन का फैक्ट। अब यहाँ देखेंगे 6 7 जा 42। अब 42 को डिवाइड करेंगे पहले 6 से। अब 6 का टेबल काउंट करेंगे तो 7 तक जाएगा, 6 7 जा 42, तो 7 आंसर आ गया इसका। अब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों नंबर से हम डिवाइड करके देखते हैं कि 42 आता है या नहीं आता। अब 7 की टेबल काउंट करेंगे तो 6 तक काउंट होगी, 7 6 जा, आंसर आया 6 42। तो यानी कि 7 और 6 जो है 42 के मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स हैं, और डिवीजन करने पर उनका आंसर सेम आ रहा है। तो आप ये इसी तरह से 2 टाइम्स करके नोटबुक बुक में करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे जो सम्स हैं डिवाइड वाले, वो आप बच्चों को आते हैं। फर्स्ट क्लास में किए हुए हैं आपने। 7 को डिवाइड किया 7 से, 7 1 जा 7, इसका आंसर आया 1। तो आपने डिवाइड नहीं करना, ओरल करके यहाँ पर बॉक्स में लिखते जाना है। तो नोटबुक में भी इसी तरह से लिखेंगे, बॉक्स तो नहीं बनाएंगे, तो आंसर साथ साथ लिखते जाएंगे। 7 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 जा 7 1 आया आंसर। 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा आंसर इसका? 2 की टेबल 4 तक काउंट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, 2 4 जा 8। तो इसी तरह से जो डिवाइड, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी टेबल को आपने काउंट करना है, जो आंसर आ जाएगा यहाँ लिखना है। और मैंने ये सर्कल लगाए हैं, जब आप नोटबुक में ये सम्स करेंगे तो सर्कल में नंबर लगाएंगे, नंबर लिखेंगे, ठीक है? नहीं तो आपका नंबर जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, बीच में स्पेस भी छोड़ना है, ठीक है? कुछ बच्चे बिल्कुल टच करके लिख देते हैं, तो वो नंबर मान लो 21 है, तो 8 टच हो जाएगा तो 821 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो आपने हर नंबर को सर्कल में लिखना है। 30 तक सम्स हैं, तो ये सम्स बहुत ईजी हैं। 2 पेज पे या 3 पेज पे, जितने पेज पे भी आए, तो आपने पूरा लेंथ ही उसमें नहीं करना, इसका आंसर बस जैसे यहाँ लिखते जाना है। तो दोनों काम अपनी है, इसको भी कर लीजिएगा बुक में, नोटबुक में, ठीक है? इस तरह से एक तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ इस एक पेज में ही आ जाएगा, 2 या 3 पेज में ये सम्स भी आपके हो जाएंगे। तो बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे, आसान लगेंगे, ताकि फिर जब आगे इससे बड़े सम्स आए तो उसे आप अच्छे ढंग से कर सकें, ठीक है बच्चों? ओके, बाय।